बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो कशीदे निगारी का आगाज इतिहास है, पिछली जमात में हम मुख्तसर तकरीर पेश कर चुके हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुस्तान में क्या सबसे पहले कशीदे की शुरुआत कहाँ से हुई और हिंदुस्तान में शुरुआत होने से पहले हम दूसरे ममालिकों से की गुफ्तगू करेंगे कि अरब देश से सबसे पहले कशीदे की शुरुआत मानी जाती है और वहाँ के जो शोरा है ने इनको कशीदे निगारी की जो शिल्प है इसको परवान तक पहुँचाया। धीरे धीरे ये शिल्प अरब मुल्क से ईरान पहुँची। ईरान में भी ये अच्छी फली फूली। उसके बाद धीरे धीरे ये अरब देश से हमारे हिंदुस्तान में उर्दू में कशीदा निगारी की शुरुआत दक्कन से हुई है, यानी हिंदुस्तान में जो कशीदा निगारी की शुरुआत दक्कन से मानी जाती है। वहाँ पर दक्कन के मशहूर शायर सुल्तान मोहम्मद अली कुतुब शाह ने 1611 के करीब कशीदे लिखे, यानी ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में मोहम्मद अली कुतुब शाह ए सुल्तान अली कुतुब शाह ने 1611 के करीब कशीदे लिखे। इन कसाइद की जबान को दखनी उर्दू कहना बजा है, यानी दखनी उर्दू कहना ठीक रहेगा, है ना। और क्योंकि इनमें दखनी अल्फाज कसरत से मिलते हैं, यानी जो कशीदा निगारी की गई है हिंदुस्तान में सबसे पहले मोहम्मद अली कुतुब शाह के दौर में की गई है और इसमें दखनी अल्फाज ज़्यादातर है, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दक्कन के कशीदा गो शोरा में, यानी दक्कन के और भी मोहम्मद अली कुतुब शाह के बाद दक्कन के और भी कशीदा गो शोरा हैं, उनमें और भी नाम सामने हैं। दक्कन के कशीदा गो शोरा में नुसरती का नाम भी अहम है, भाई इन्होंने भी अच्छी कशीदा निगारी लिखी है। इसके बाद शिमाले हिंद में, यानी शिमाले हिंदुस्तान में उर्दू कशीदे की जो शुरुआत की है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के यहाँ से नज़र आती है और सौदा कशीदा गोई में बड़ा नाम पैदा किया है। वैसे उर्दू में अगर सौदा का नाम लिया जाए तो कशीदा निगारी का शहनशाह किसे कहा जाता है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को उर्दू कशीदा का बादशाह कहा जाता है। बड़ा नाम पैदा किया इस सिन्फ ने से, इसकी तबीयत को खास मुनासिबत थी। उन्होंने मदहिया और हुजुइया कशीदे भी लिखे, यानी मदह से मुतालिक और कशीदे से हुजू से मुतालिक दोनों तरह के कशीदे लिखे। और शेर आसू भी लिख कही कशीदा निगारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कशीदा निगारी के लिखने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे दलील के तौर पर जैसे जोरे बयान, सोक्त अल्फाज, यानी इन चीज़ों की ज़रूरत खास तौर से पड़ती है। और उसके बाद मजमून आफरीनी और नेस पर कोशिश, तस्वीर, दिलचस्प ग्रेस और पुरजोश और मुबालगा आमेजस मदह, वो सब ने कशीदों में मौजूद है, यानी इन लोगों में कशीदे निगारी की अच्छी इनकी हैसियत है या इन चीज़ों के बेसहारे कशीदा निगारी दिलचस्प लिखी जा सकती है, कही जा सकती है। लखनऊ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले लखनऊ में जो कशीदे के हालात हैं उसके बारे में भी हम बता रहे हैं कि लखनऊ में मसाफ़ी भाई इंसान ने भी बहुत से कशीदे लिखे, यानी दवस्तान लखनऊ में जो मसाफ़ी है उन्होंने भी अच्छी कशीदा निगारी लिखे। लेकिन अहद सौदा के बगैर, यानी सौदा के ज़माने के बगैर कशीदा निगारी का दूसरा अहम
दौर, मोमिन जौक और गालिब का अहद है, यानी कसद जो सौदा के बाद का जो दौर है उसके बाद, सौदा के बाद भी जो कशीदा निगार पैदा हुए हैं उनमें दूसरा अहम नाम नाम दर्द मोमिन जो और गालिब का अहद है। मोमिन किसी दरबारी दरबार से वाबस्ता न थे, न इनाम व इकराम का तलबगार थे, लेकिन इजहार तकरीर के दौर पर उन्होंने कशीदे कहे। गालिब ने कहीं कशीदे लिखे, यानी मिर्ज़ा गालिब साहब ने भी कशीदे लिखे और बहुत ही शानदार कशीदे लिखे हैं। इस मैदान में भी अपना रिश्ता सबसे अलग निकाला, रास्ता सबसे अलग निकाला। कशीदा निगारी में इनकी तवज्जो मदह से ज़्यादा तस्बीह पर रही, यानी इनका ज़्यादा जोर मदह से ज़्यादा तस्बीह पर रही। और गालिब के कशीदे अपना तकरीबन रंग रखते हैं, लेकिन इसके अहद के सबसे अहम कशीदा गो जोक है। इनके कशीदे गहरा इल्मी रंग लिए हुए हैं और इनमें इस्तलाहत का कसरत से इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद और भी बहुत सारे कशीदे निगार पैदा हुए हैं, उनमें मीर मेनाई है, जलाल लखनवी है, लखनऊ इस्तेमाल का ताल्लुक़ रखते हैं, और भी अच्छी शोहरत मरसिए में कशीदे ने हासिल की है। थैंक यू।